तो वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज आप लोग को हम बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आप लोग को हम बताएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें तब आपको पूर्ण रूप से समझ में आएगा कि क्या क्या आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दे ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्त, इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो बायोलॉजी से है। इससे पहले हम बता दें कि आप फिजिक्स और केमिस्ट्री का नहीं देखे हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया जाएगा और आप दोनों वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में क्या क्या पूछा जाता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्त, आप क्वेश्चन को एक एक करके आप सुनिए, उसके बाद अपने कॉपी में आंसर इसका निकालिए। चलिए बात करते हैं हम आज का जो क्वेश्चन है हमारा बायोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन, देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, प्रयोग द्वारा यह सिद्ध करें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को सूर्य की आवश्यकता होती है क्यों, ये। और दूसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है और तथा इसके आवश्यक घटकों की विवेचना करें या इसको प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना करें। चलिए आप देखेंगे हम तीसरा नंबर में है अमीबा में पोषण की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन करें। अब चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्त, यहाँ पे दिया गया है पोषण क्या है तथा इसके प्रकारों या विविधियों की विवेचना करें। लॉन्ग क्वेश्चन है इसको। अब ये फाइव नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है। और सिक्स नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है परागण क्या है, स्वपरागण और परपरागण में अंतर को स्पष्ट करें। ये सब बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, इसे इग्नोर ना करें, इसे देख ही लें एक बार। और यहाँ पे देखेंगे हम सेवन नंबर क्वेश्चन, अनऑक्सीशोषण में अंतर को स्पष्ट करें, ये सेवन नंबर। दोस्तों, हम अब देखेंगे एट नंबर का क्वेश्चन। एट नंबर में है उत्तक संवर्धन क्या है, यह कैसे संपन्न होता है, एट नंबर का क्वेश्चन देखिए। और यहाँ पे नाइन नंबर का देखिए, कृत्रिम वीर्य क्या है, यह किस प्रकार का कार्य करता है। और यहाँ पे टेन नंबर में धमनी तथा सिरा में अंतर को स्पष्ट करें, धमनी तथा सिरा में अंतर को स्पष्ट करें। अब चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए दोस्त, दिया हुआ है रक्त क्या है तथा इसके घटकों एवं कार्यों का वर्णन करें, रक्त ब्लड जो है। अब यहाँ पे देखिए 12 नंबर में दिए हैं लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है स्पष्ट करें, लैंगिक जनन तथा अलैंगिक जनन में क्या अंतर है स्पष्ट करें। अब देखिए यहाँ पे 13 नंबर मानव में दोहरे रक्त परिसंचरण की व्याख्या करें। चलिए आप देखेंगे यहाँ पे 14 नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, मेंडल द्वारा मटर पर किए गए प्रयोग का निष्कर्ष वर्णन करें, मटर पे जो उसने क्या था प्रयोग उसका वर्णन करने के लिए बोल रहा है। और यहाँ पे देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर का जैव प्रकाश क्या है लमार्कवाद का वर्णन करें या यहाँ पे याद दिया हुआ है अपरिचित लक्षणों का या वंशागति के सिद्धांत की विवेचना करें, यहाँ पे भी देख लें। अब आपको हम बताएंगे 16 नंबर क्वेश्चन, आहार जल खाद श्रृंखला क्या है। अब यहाँ पे देखिए इसकी विवेचना करना है, आहार जल और खाद श्रृंखला के विवेचना करना है। अब देखिए यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पिक्चर जो बनाने के लिए दिया जाता है बायोलॉजी में, वो आपको 5 मार्क्स का होगा। यहाँ देख लीजिए, पहला जो आपको दिया जा सकता है गुणसूत्र, दूसरा डीएनए, तीसरा दिया गया है न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र विक्र, और पांचवा जो है मानव हृदय, और छठा यहाँ पे है फूल के जननांग, और यहाँ पे सातवां जो है मनुष्य का आहार नाल या पाचन तंत्र। अब यहाँ पे देखें 18 नंबर क्वेश्चन, ओजोन स्तर क्या है, इसके स्तर में अवक्षय होने के कारणों का विवेचना करें। दोस्त,
इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही मैं आपको बता दूं, आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इसी तरह का वीडियो का। तो चलिए आप देखेंगे यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन, वाव्य एवं अवाव्य, वाव्य एवं अवाव्य श्वसन में क्या अंतर है, वाव्य और अवाव्य श्वसन में क्या अंतर है, ये तीसरा चैप्टर का बायोलॉजी का दिया हुआ है। चलिए अब देखें, बात करेंगे दोस्त 20 नंबर क्वेश्चन का, पौधे में रासायनिक संवहन किस प्रकार से होता है तथा इसमें हार्मोन की भूमिका का वर्णन करें, जैसे पादप हार्मोन हो गया, या यहाँ पे देखिए 21 में दिया हुआ है दोस्त, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें, मनुष्य के रक्त की संरचना का वर्णन करें, और यहाँ पे 22 नंबर में दिया हुआ है, मानव में लिंग निर्धारण की विधि को का उल्लेख करें, मानव में लिंग निर्धारण की विधि का उल्लेख करें। अब यहाँ पे जो है हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रॉन विक्र की संरचनात्मक क्रियाविधि की विवेचना करें, नेफ्रॉन विक्र की संरचनात्मक क्रियाविधि का विवेचना करें। दोस्त इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, आप एक बार जरूर बना लें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सके। और साथ ही मैं बता दूं, यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। तो आपको आज ये लॉन्ग क्वेश्चन बताया, इसके बाद हम इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी एक एक चैप्टर का अलग अलग करके बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।